आज तक किसी कश्मीरी ने जो है वो कश्मीरी फ्लैग के अंदर जो है अपनी तदफीन नहीं करवाई, बल्कि पाकिस्तान के फ्लैग में कही। हम आज तक यही साबित नहीं कर सके कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान या कश्मीर है पाकिस्तान। सुन लो पाकिस्तानियों, ना तो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ना कश्मीर है पाकिस्तान। घर में नहीं दाने अम्मा चली बुराने, वो तो तुम्हारा हाल है, समझ रहे हो। और हाँ एक बात और, जो पीओके है ना वो बनेगा हिंदुस्तान। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ऑपोजिशन कहती है जी नवाज शरीफ साहब का जब दौर था या जरदारी साहब यानी पीपल्स पार्टी जब इक्तदार में थी तो भारत की हिम्मत नहीं हुई थी कि ऐसा काम करे, यानी आइन में इस तरह तब्दीली की जाए या गैर आइनी कदम उठाया जा सके। अब ऑपोजिशन इस बात पर हम देखते हैं बड़ी पॉइंट स्कोरिंग करती है। ऑपोजिशन कहती है इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो ऐसा कदम भारत ने उठा लिया। इसमें पाकिस्तान की कोई गलती नहीं है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की गलती नहीं है, किसी भी नेता की कोई गलती नहीं है। असल में हिंदुस्तान के अंदर शेर दिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा जिगरा रखने वाला कोई आया नहीं था जो 370 को हटा सके। ये मोदी जी का जिगरा था और पाकिस्तान जो उखाड़ना वो उखाड़ ले। अगर मोदी जरदारी के टाइम पे आता तो भी 370 हटाता, जरदारी भी कुछ नहीं कर सकता था। दिस इज ए मोदी पावर, समझे पाकिस्तानी। वाह मोदी जी वाह। आजकल भी आप देख रहे हैं अफगानिस्तान से जब अमेरिका निकलने की बात कर रहा है तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। इसके साथ साथ जो इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात हैं वो भी मुसलसल ऐसे हैं कि जिन पर नज़र रखनी पड़ती है। तो गोया हमारी मशरकी और मगरबी दोनों सरहदें जो हैं इस वक्त वो ऐसी सिचुएशन में हैं कि जहाँ पर हमारे गहरे स्टेक्स भी हैं और नज़र रखने की ज़रूरत। ये बेचारे करें भी तो करें क्या पाकिस्तानी, इन लोगों का गुजारा इनकी दाल रोटी भारत भारत करके चलती है, तो ये सारा दिन मीडिया में बैठ के भारत 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 करते रहते हैं। ये भी ठीक है। रॉयटर्स को उन्होंने इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने जो इंडिया के हवाले से बात की है, जब इंडिया से पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से बात हुई तो उन्होंने कैटेगोरिकली, जो कि वो पहले भी कई दफ़ा कह चुके हैं, यहाँ पर भी यही बात की कि जब तक भारत जो है वो 375 मोदी जी मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है इस कन्या के कहने से धारा 375 हटा दीजिए। मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, एक हिंदुस्तानी की बात पे तो जरूर ध्यान दीजिए आप। 375 हटा दीजिए, भले 370 लगी रहे। से मुतालिक अपने इकदामात मकबूजा कश्मीर में वापस नहीं ले लेता उस वक्त तक इंडिया से कोई मुजाकरात कोई बातचीत नहीं हो सकती। मुझे तो हंसी आ रही है इसकी बात सुन के कि पाकिस्तान भारत से बातचीत करना नहीं चाहता। अरे बेवकूफ औरत, थोड़े दिन पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने डेलीगेशन भेजा था भारत से बातचीत करने के लिए, भारत से ट्रेड शुरू करने के लिए, आपके माननीय प्रधानमंत्री इमरान खान जी ने बोलना भी क्या करी बोल। और सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान से बात करना कौन चाहता है, कौन चाहता है? हम तो आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, बात करना तो बहुत दूर की बात है। I am sorry, Babu. अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो दोस्तों तुम भी कमेंट करके बताओ। हम पाकिस्तान की बात करना तो दूर की बात, हम उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। अगर आप एग्री हो तो कमेंट डाउन। कमेंट सेक्शन सिर्फ आप लोगों के लिए होता है, सिर्फ आप लोगों का। भर दो इसको ताकि पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तानी मीडिया के कान फट जाए। इसके साथ साथ मैं आपको ओवरऑल वैसे बता दूं कि उन्होंने ये जेस्चर दिया कि पाकिस्तान बिल्कुल मुजाकरात के लिए तैयार है भारत के साथ और चाहता है कि यहाँ पर अमन कायम हो, लेकिन उसके लिए उन्होंने फिर वही बात की कि भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर की हैसियत की बहाली का सबसे पहले लायमल दे। फिर उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में भारत से तजारत करना कश्मीरियों और उनके शहीदों से गद्दारी होगी। उन्होंने कहा कि हमेशा भारत के साथ महज़ब और वाज़ह ताल्लुकात चाहता हूँ, बर्रे सगीर में गुरबत ख़त्म करना चाहते हैं तो तजारत बेहतरीन रास्ता है। इसके साथ साथ उन्होंने अफगानिस्तान के हवाले से भी अहम पॉलिसी स्टेटमेंट दिया। पाकिस्तान के रिपोर्टर कितने इंटेलिजेंट होते हैं वो तो शायद आपको पता हो, और नहीं पता हो तो अभी देख लो। You tell, you drink? No, I don't drink. I don't drink anyway. Nani, you come to hospital. Yeah, I can go to the hospital. I have no problem. बेटे आप यहाँ पर क्या करने आते हो? मैं यहाँ पर लस्सी पीने आता हूँ। इतने मोटे और अभी भी लस्सी पीते हो और मोटे हो जाओगे। ऑमलेट थी, ब्रेड था और साथ जैम और बटर भी था। और आपने तो लगता है टका के सब कुछ खा लिया होगा।
रिटर्न करूंगा मैं इसके साथ। वो कह रही मेरे साथ बात ही ना करो। मैंने लहजे की भाई, तुम्हारा अगर कोई अपना मसला चल रहा है उसको मेरे साथ नहीं डिस्कस करो ना यार। तुम्हीं से मैंने कौन सी बदतमीजी की है? क्या बदतमीजी की है? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, कमेंट तो जरूर करके जाना। पाकिस्तान के ऊपर ये नेसेसरी है, बस ये समझ लो कि आप ये वीडियो देखने की जो मेरी मेहनत है उसका मेरे को फीस देके जा रहे हो एक कमेंट करके पाकिस्तान के ऊपर। ठीक, कमेंट जरूर करना और फिर नए वीडियो बनाता हूँ। अभी मेरे को केदारनाथ जाना, मैं केदारनाथ से आऊँगा, फिर उसके बाद आपका भाई फिर आपके लिए रेगुलर वीडियोस लाता रहेगा, जब तक थोड़ा लेट लेट रहेगा। जय हिंद।